क्वेश्चन नंबर 19 है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन फाइव है और ये आपस में इक्वल है, तो मीन और वेरियंस निकालें। ठीक है, एन फाइव है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एन फाइव ये हमारे पास रिलेशन होता है, तो अब एक्स ज़ीरो रखेंगे और एन फाइव है, इसमें एक्स वन रखेंगे, फाइव जी सी ज़ीरो वन होता है, पी की पावर जिसकी भी पावर ज़ीरो वन, क्यू फाइव वैसे ही, फाइव सी वन फाइव आ गया, पी वन वैसे ही, क्यू की पावर फोर, तो क्यू फाइव रह गया, यहाँ फाइव पी क्यू की पावर फोर। ठीक है, इतना। अब यहाँ क्यू की फोर है, यहाँ फाइव है, तो आपस में कैंसिल करेंगे फोर, तो यहाँ फाइव में से फोर कटेंगे तो क्यू की पावर वन रह जाएगी, यानी क्यू बराबर फाइव माइनस पी। अब क्यू आपको पता है हमारे पास इसके लिए रिलेशन है, क्यू इज इक्वल होता है वन माइनस पी, पीछे वाले सारे सवाल में यूज हुआ है, तो क्यू की जगह हमने रखा वन माइनस पी। अब ये पी उस तरफ ले जाएं और वन इस तरफ रहने दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइव प्लस वन सिक्स पी, तो ये हमारे पास पी आ गया वन माइनस सिक्स। क्यू निकालने के लिए रिलेशन है वन माइनस पी, पी की वैल्यू वन ओवर सिक्स है, तो क्यू आ गया वन ओवर सिक्स। तो मीन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एन पी होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, वेरियंस एन पी क्यू होता है, एन फाइव है, पी वन ओवर सिक्स है, क्यू फाइव ओवर सिक्स है, तो 25/36।